हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब ST SC वर्ग को साधने पर है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा है कि बीजेपी आने वाले वक्त में दो आयाम पर काम कर रही है, जिसमें आदिवासी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ लाने पर फोकस है। प्रदेश में बीजेपी ने 11% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हर बूथ पर 11% वोट बढ़े और इस तरह से 51% वोट प्रतिशत उनको मिले। हालांकि मुरलीधर राव ने मीडिया के सवाल पर एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण और दूसरे जेब में बनिया है। हालांकि उन्होंने फौरन इसे सुधारा और कहा कि पहले कहा जाता था कि बीजेपी ब्राह्मण और बनिया वाली पार्टी है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी वर्ग की ओर पार्टी का काम दिखता है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मुरलीधर राव के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस विधायक PC शर्मा और प्रवीण पाठक ने कहा कि ये बीजेपी का घमंड बोल रहा है जो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि घमंड रावण का भी नहीं। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में, जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अब ये दिन दूर नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पतन के दिन शुरू हो गए हैं, और आने वाले 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में आपको इसके परिणाम साक्षात तौर पर देखें। जो शब्द यूज कर रहे हैं कि जेब में है, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ये सब समाज आने वाले हर चुनाव में इनको जवाब देंगे। तो एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया, ये बयान, इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घमंड, पार्टी का घमंड बता रही कांग्रेस पार्टी। मुरलीधर राव के इस बयान को विवादित मानते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2023 और 2024 के बयान में इससे जवाब प्रदेश की जनता, देश की जनता देगी। और हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त दोनों पार्टियों से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी से और दुर्गेश केसवानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। दुर्गेश जी, ये प्रभारी महोदय ने कहा एक जेब में ब्राह्मण दूसरे में बनिया, बाद में हालांकि बात को पॉलिश भी किया, लेकिन कांग्रेस कहती है घमंड है बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डाउन टू अर्थ पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जो मतलब कांग्रेस निकाल रही है, मुझे लगता है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्यों कमलनाथ जी इतने आतुर हुए जाते हैं कि ट्वीट कर देते हैं? पहले पूरी बात को समझना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, कभी दिग्विजय सिंह जी रावलपिंडी के ब्रिज का फोटो लगा देते हैं, कभी ये कर देते हैं। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी हैं वो हमेशा कसीदे पढ़ते हैं कि अनुभवी हैं कमलनाथ जी। मुझे लगता है कि ये बातें उनको छोड़ के पूरी बात को समझना चाहिए। मैं खुद उस PC में पुनीत जी उपलब्ध वहां पे था मैं, और जो उन्होंने बात कही, उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास को मानने वाली पार्टी है। ये पार्टी वो पार्टी है। तब उन्होंने पत्रकार साथी ने पूछा कि बनिए और ब्राह्मण आपके उसमें रहते हैं हमेशा, तो उनके बात हुआ, उन्होंने सब पार्टी हमारे साथ रहती हैं, और हम चाहते हैं कि जो पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए और जो दूसरे वर्गों के लिए जो नहीं किया है वो हम करेंगे, और हम इसको भी जोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे प्रयास ये रहेंगे। और जो बूथ मैनेजमेंट की बात भी उन्होंने की कि हमें कैसे प्रत्येक बूथ पे हमें 10% बढ़ाना है, ये बात है। कमलनाथ जी क्यों इतना आतुर हुए जा रहे हैं, क्यों मेरे को ये समझ में नहीं आता है। अगर कमलनाथ जी को ट्वीट करना चाहिए तो प्रदेश की जनता से माफी मांगने के लिए ट्वीट करना चाहिए कि 973 वचन हमने दिए और वो वचन परिपूर्ण नहीं कर पाए। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह जी भी जुड़े, उन्हीं से पूछ लेते हैं कांग्रेस क्यों आतुर हुई जा रही है। अजय जी, देखिए विजय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी का बयान है, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है, और साथ ही ब्राह्मण बनिया जैसी समुदायों को अपनी जेब में रखने का दम्भ,
ये मानसिक दिवालियेपन से ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात पे तो ऐसा लग रहा था कि ये ना कह दें कि मुरलीधर राव नहीं, उनका कोई डुप्लीकेट था। आप जिस तरह से बातचीत कर रहे थे कि कांग्रेस गलत चित्र लगा देती है, गलत बात कर देती है, ब्रजेश जी मुरलीधर राव थे कि कोई और तो नहीं था उनकी जगह डुप्लीकेट, इसलिए इस तरह की बातचीत ऊपर की जेब में ब्राह्मण नीचे की जेब में बनिया भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहीं बात कहीं नहीं कोई दो मत नहीं है। मुरलीधर राव जी ने स्पष्ट तौर पर उन्होंने के साथ बताया है भाजपा के नेताओं का प्रबंध नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मानसिक दिवालियापन है, ये समाज को बिकाऊ समझते हैं, अपनी जागीर समझते हैं और प्रदेश की जनता समझ पाएगी। भाजपा ने भ्रष्टाचार से भारी पैसा जुटा लिया है, चुनावों में पैसा खर्च करते हैं, जोड़कर बात करने का अगर काम करती है, तो ये धर्म और अहंकार की पराकाष्ठा है जो कि मुरलीधर राव दिखा रहे हैं। लेकिन सभी समाज परेशान है, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, निंदनीय बर्ताव है, मुरलीधर राव जी को माफी मांगना चाहिए। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी और अजय जी, कई दफा बोलते बोलते क्या बात अलग दिशा में अर्थ कर रही, साउंड कर रही है, और उस पर उन्होंने उत्तर भी दिया, लेकिन इस पर दोनों पक्षों को जनता ने एक बार फिर सुना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए।